इस आदमी ने बस दो डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान कर दिया और चाय में दूध डालने के बाद मलाई क्यों बन जाते हैं और आप जो लॉलीपॉप खाते हैं वो आपकी ही थूक है। आईफोन केवल 4 GB का रैम होने के बाद भी 12 GB के फोन से ज्यादा स्पीड क्यों चलता है? फैक्ट्स के आंसर जानने के लिए बने रहे वीडियो का एंड तक। फैक्ट नंबर 1, आप मुंह से सांस लेते वक्त बात नहीं कर सकते चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। हमारी सांस लेने की एक ही विंड पाइप होती है जो नाक और मुंह दोनों से जुड़ी होती है और वो दो काम एक साथ नहीं कर सकती। और आप जो लॉलीपॉप खाते हो वो आपकी ही थूक है, बस उसमें एक फ्लेवर डला होता है। आप बार बार लॉलीपॉप को चाटते हो, मुंह से अंदर बाहर करते हो तो वो आपकी थूक। फैक्ट नंबर 2, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो लोग पब्लिक में अपने हाथों को जेब में रखकर चलते हैं वो बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, उनके अंदर सेल्फ डिफेंस की कमी होती है इसलिए वो ओपनली नहीं चल सकते। फैक्ट नंबर 3, न्यूज़ देखना अच्छा होता है और आपको ज़्यादा भी न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। जो ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उनका दुनिया के प्रति ज़्यादा नेगेटिविटी पॉइंट होता है क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ वाले नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 4, जो लोग ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सालों तक जीते हैं। ये हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता पर कुछ लोगों पर ज़रूर लागू होता है। फैक्ट नंबर 5, वर्ल्ड वार 1 में जो लोग अपना नाक गोली लगने की वजह से खो देते थे तो उस समय वो लोग अपनी मिडिल फिंगर को लगाते थे जिससे उन्हें एक नई नाक मिल जाती थी और वो लोग कुछ काम भी नहीं कर पाते थे और बदले में उनकी उंगली भी चली जाती थी और बाद में प्लास्टिक की नाक बनने लगी। फैक्ट नंबर 6 है, एक बार एक आदमी ने दो डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान कर दिया। एक आर्ट गार्ड ने एक नए सिक्योरिटी गार्ड को रखा था और ये गार्ड बोर हो रहा था और गार्ड ने देखा कि एक पेंटिंग है उसमें आंखें नहीं है तो उसने दोनों आंखों को ड्रॉ कर दिया और बाद में पता चला कि ये पेंटिंग 7 करोड़ की थी और वो बोर लगने के कारण इस पेंटिंग को बिगाड़ दिया और फिर उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको भी जानना है कि अमेजोन से कहीं आपको दूसरों से वापस किया गया प्रोडक्ट नहीं मिला तो आपको उसके बारकोड को देखना है। अगर बारकोड पर LPN लिखा है तो ये प्रोडक्ट रिटर्न है, आपसे पहले किसी और ने इस प्रोडक्ट को खरीदा था। फैक्ट नंबर 8, इंटरनेट पर पहली बार जो चीज़ें बेची या खरीदी गई थी वो थी 1 पैकेट गांजा। इंटरनेट पर पहली बार लोगों ने गांजा बेचा था, पहले कोई ऐप नहीं थे तो इंटरनेट और कॉल के माध्यम से बेचते थे लोग। नंबर 9, जो मैथनी नाम का एक शख्स है उसकी एक छोटी सी बर्गर की दुकान थी और लोगों को उनके बर्गर काफी ज्यादा पसंद आते थे और फिर आगे जाकर पता चला कि ये जो बर्गर बनाता उसमें पीक की मीट ही नहीं बल्कि इंसानी मीट भी डलता है। ये आदमी एक साइको किलर था, ये सुबह बर्गर बनाता और रात में लोगों को मारता अपने मजे के लिए और सुबह उनके मीट से फिर बर्गर बनाता। नंबर 10, आईफोन में कम रैम होने के बाद भी इतना फास्ट क्यों चलता है? वैसे तो आईफोन में यूजली रैम होता ही नहीं, आईफोन रैम वाली सिस्टम को यूज ही नहीं करता और इसके बाद भी आईफोन के रैम को कंपेयर करें तो ये 4 से 6 GB का आता है। इसके बाद भी ये काफी स्मूथ और अच्छा चलता है और कई सालों तक इस्तेमाल करने के बाद भी स्मूथ ही रहता है। इसका कारण है फोन का ऑप्टिमाइजेशन। आईफोन का रैम रोम आर सिस्टम खुद आईफोन बनाता है इसलिए आईफोन अच्छा और स्मूथ चलता है। फैक्ट नंबर 11, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि चाय या कॉफ़ी ठंडी हो जाने के बाद उसमें मलाई जम जाती है, पर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक रीज़न है, दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है और उसमें लगभग 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और उसमें से जो वे प्रोटीन होता है वो आपस में बोन प्रोटीन बनाता है और इस बोन प्रोटीन की वजह से दोनों प्रोटीन आपस में चिपक जाते हैं और जब दूध या चाय ठंडी हो जाते हैं तो ये सतह पर चिपक जाते हैं, ये वही मलाई होती है।